Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Kavya Dadich Vlogs. And how are you? Hope you all are doing well. आज का जो vlog है पूरे के पूरे 8 दिन बाद में बन रहा है because इतने दिन तक मैं मेरे गांव में ही था घर पे और थोड़ी सी फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रही है, पापा जी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। लास्ट वीडियोस को देख के भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट किए। जो बुटाटी धाम का मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया, वो व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया जिसमें आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। अप्रॉक्स 1000 क्रॉस कर गया है वो वीडियो, तो मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो रही है। थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं डे बाय डे, बिना वीडियो डाले हुए भी आप लोग जो सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों की साइड में। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव की साइड में कौन से पहाड़ होते हैं, तो राजस्थान में बैठा राजस्थान में कौन से पहाड़ है, तो गाइस राजस्थान में भी पहाड़ है। और आज का वीडियो एक ऐसी जगह पे जाके बनाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं आज जा रहा हूँ बालाजी भगवान के धाम पे जो कि बसे हुए हैं। आप लोगों को पता ही बालाजी भगवान तो पहाड़ों पे रहते हैं भाई, तो इस बार जो पहाड़ है वो है डूंगर बालाजी का पहाड़। और कितना बड़ा पहाड़ है, कहाँ जा रहे हैं, कैसा वहाँ का व्यू आने वाला है, फुल स्टार्ट टू एंड आप लोगों को बताने वाला हूँ। मंदिर वहाँ पे कैसे आया, क्या कुछ उसकी डिटेल्स हैं, कितना पुराना वो मंदिर है, A to Z हम लोग इस वीडियो में कवर करने हैं। तो गाइस जल्दी से चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। हम लोग दो जन जा रहे हैं, आज मेरे साथ पापा जी जा रहे हैं बिकॉज उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो पापा जी को आज मैं साथ में नहीं लेके जा रहा। आज मेरे साथ जा रहे हैं मेरे ब्रदर हरीश, तो आज मैं और हरीश चाचू, मैं वैसे तो चाचू है बट मैं भाइयों में रिलेशन में वैसे ही है, एज वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग ब्रदर्स की तरह रहते हैं। तो आज हरीश भी हमारे साथ जाएंगे और जल्दी से चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। बाइक को करते हैं स्टार्ट, 115 किलोमीटर जा रहे हैं गाइस हम बाइक पे, तो फिलहाल चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो भी अच्छा लगे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मेरी गुडनेस है, क्या मेरी बैडनेस है, A to Z प्लीज आप लोग कमेंट में बताया करो। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ अपना छोटा सा कैरी बैग रेडी है और हमारा हेलमेट भी रेडी है, तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं हमारे घर से और बाइक हमने स्टार्ट कर ली है, जय माता दी। होपफुली टूर बहुत अच्छा जाए और एक ऐसी स्पेशल जगह पे जा रहे हैं कि बहुत कम लोग वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और हम लोग ने एक मन्नत मांगी हुई थी वहाँ की, जो कि आज हम लोग वहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है और वही रूट है, आप लोग देख सकते हैं, जो कोई रास्ता नहीं है उस रास्ते से हम लोग ने हमारी बाइक निकाल ली है। मैं हूँ पीछे, हरीश चाचू बैठे हैं, तो पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे, तो उस टाइम हरीश चाचू से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं। तब तक के लिए रूट थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ज़्यादा लंबा मोटो व्लॉग नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट द गुड क्वालिटी, इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करके मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बनाऊँगा। ज़्यादा लंबा मोटो व्लॉग करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है फिर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा, तो जस्ट थोड़े ही दिन बाद में अपना बढ़िया कैमरा आ जाएगा, कौन सा आ रहा है अनबॉक्स करेंगे उस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसे ही धमाकेदार व्लॉग्स जो है इस चैनल पर आते रहेंगे। तो उस हाईवे पे हम लोग पहुंच गए हैं, सामने पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद में रूट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, हम जाएंगे छोटे मोटे गांव से होके बिकॉज ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, रास्ता भी बहुत मक्खन बना हुआ है। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं पेट्रोल पंप, जस्ट हमारे इस मोड़ से जहाँ पे हमें रोड मिलती है उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 500। तो फाइनली पेट्रोल के रेट थोड़े कम हो गए हैं, 111.98। कम कैसे आ गया, अच्छा भाई लोचा हो गया इधर, 475 रुपये का ही पेट्रोल डला है, लाइट चली गई, वही पेट्रोल डलवा लिए 500 रुपये का। अब आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी कंडीशन क्या है। फ्रेंड्स ये है हमारे हरीश चाचू, आपसे ब्लॉग में दिखा करेंगे। सो फिलहाल ये एक गांव आया छोटा सा, इस गांव को क्रॉस करेंगे, इस गांव का नाम है बुगरड़ा। तो ये स्नेक रोड पर फिलहाल हम ट्रेवल कर रहे हैं, इस रोड को मैं स्नेक रोड क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग ये टाइम लैप्स देखिए आप लोगों को पता लग जाएगा। सो फाइनली स्नेक रोड से हमारा पीछा छूट गया है और कुछ ऐसी ये रोड मिली है, इस रोड पे छोटे मोटे खड्डे आएंगे। ये रोड वही है जब हम लोग लास्ट टाइम हमारे कुलदेवी माता जी के गए थे, श्री दधिमती माता जी का मंदिर, ये वही रोड है। आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख लीजिए, उस टाइम मैं गाड़ी लेके गया था, आज मैं मोटर व्लॉग कर रहा हूँ। फाइनली हम लोग अभी जो है माता जी के मंदिर में पहुँच गए हैं, हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, ये जो कुंड आप देख रहे हैं वही कुंड है जहाँ पर हम लोगों ने हमारा शुद्धिकरण किया था उस टाइम पर, और सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं वो वही है श्री गौठ मांगलोड दधिमती माता जी का मंदिर।
देखिए गाइस, लोग ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कर रहे हैं। आप लोग सामने देख सकते हैं, जो पीछे बंदा बैठा है उसके हेलमेट लगा रखा है, और जो राइड कर रहा है उसके हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। मतलब ट्रैफिक रूल्स का फॉलो देखो लोग किस तरीके से, लोग फॉलो भी कर रहे हैं बट नहीं भी कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। ऑफ रोडिंग रोड देखो भाई, गाँव की इतनी ज़्यादा फिसलने वाली है, मज़ा आ जाता है चला के भी। तो हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे और पूछताछ करने के बाद में हम लोग को रास्ता मिल गया है। अब आगे आगे जाएंगे तो जैसे जैसे पता लग जाएगा कि यही रास्ता सही है या नहीं है। सो नाउ आई एम क्रॉसिंग राजौंद। ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राजौंद, और बहुत ज़्यादा कीचड़ से हम लोग को निकलना पड़ा है इस गाँव से। फिलहाल तो रोड RCC वाली आ गई है, लेकिन ये भी पूरी की पूरी टूटी हुई, तो गाँव के लोग इस रोड को भी नहीं बख्शे भाई। डेफिनेटली यहाँ से ये बस का कांड है, ये पूरा का पूरा जो ये बस लोग निकलते हैं ना इधर से, ये पूरी रोड की ऐसी तैसी कर जाते हैं भाई। तो मेरा नलियाल आ गया गाइस। ये जो गांव है, मेरी मम्मी जी इसी गांव के हैं और यही मेरा ननियाल है। पता नहीं कितने सालों बाद में आया हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ भी नहीं रुकने वाला, बिकॉज मैं सीधा बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊँगा डायरेक्ट। कहीं भी नहीं रुकेंगे हम लोग, रुकने को हम यहाँ पे रुक सकते हैं, हमारे 5 घर हैं यहाँ पे। और फिलहाल जो है मैं क्रॉस कर रहा हूँ खियाला गांव को, जो कि है मेरा ननियाल। तो ये रोड जाएगी भाई, ये है बस स्टैंड यहाँ का। अब देखिए गाइस, रोड की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। रोड तो है ही नहीं, खैर ये तो कच्चा रास्ता पूरा का पूरा, जिसमें जिप्सम डाल रखी है टोटली। आ गई फाइनली बढ़िया रोड, यहाँ से हमें राइट लेना है। गूगल महाराज पे सब रोड है, ऊपर खबड़ सब, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी कच्चा घटिया रेतीला सब रास्ते हैं गूगल पे। ओ भाई, अभी अभी कुछ ऐसी रोड मिली है गाइस, देखो। मतलब जितना ज़्यादा हमने कच्चा रास्ता टर्न किया था ना, उतना ही मज़ा इस रास्ते पे आ जाएगा। मक्खन रोड मिली है, बिल्कुल मक्खन रोड, मज़ा आ जाएगा बाइक चला के इधर। कंटिन्यूसली इतने ज़्यादा खड्डे निकालने के बाद और इतना ज़्यादा अफ रफ राइड करने के बाद में भाई, इतना भयंकर वाला बम में दर्द हो रहा है ना, पूछो मत। बैठना हराम हो रहा है, बैठना। सोच रहा हूँ कि एक बार के लिए रोक के थोड़ा रेस्ट ले लूँ, आगे देखते हैं कोई स्टॉल्स वगैरह मिलती है तो वहाँ रुकेंगे। पानी हम लोग साथ में लेके आएंगे, थोड़ा पानी पियेंगे, देन हमारी राइड कंटिन्यू करेंगे। भाई अभी का सीन देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में राइड कर रहा हूँ। इधर पाकिस्तान, इधर भारत, बीच में मैं राइड कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों तरफ ऐसी तारबंदी कर रखी है ना। पोल्स लगाए हैं, तार तो फिर भी नहीं लगाई हुई, लेकिन देखने को कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो गाइस अभी गूगल बाबा से पता लगा कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस टाइम मैं राइड कर रहा हूँ NH 58 पे, और अभी जो सामने गाँव आएगा कुछ देर बाद में 11 किलोमीटर दूर, यहाँ से अभी 11 किलोमीटर दूर है, उस गांव का नाम है निम्बी जोधा। फाइनली गाइस स्टॉप ले लिया हमने, बाल से चंपू बन गया हूँ मैं। हरीश चाचू भी यहाँ पे रुक गए, इतना भयंकर दर्द हो रहा था भाई, तो स्टॉप लेना ही पड़ गया हमें। और इनसे पूछा तो इनको भी हो ही रहा था, ये तो पीछे खड़े हो गए थे, मैंने बोला अब रोक ही लेता हूँ मैं। गर्म हो गया भाई साहब पीछे, बहुत बुरा हाल हो गया भाई आज। मैप लगा रखा हमने, तो अभी हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया हमने। वहाँ जाने के बाद तो एक एक्सट्रीम वाइब्स आएगी, कुछ अलग डिफरेंट हमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये धूप वगैरह से पीछा छूट जाएगा, उधर थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो अच्छी हवा भी आएगी। बाकी चेहरा आप देख सकते हैं पूरा लाल हो गया मेरा। फिलहाल जो रास्ते के लिए पानी हम लोग लेके आए थे घर से, वो पियेंगे भाई। फिलहाल गाइस हम लोगों ने 5 मिनट यहाँ पर स्टॉप लिया है, थोड़ा बहुत पेन कम हुआ है हमारा, अब यहाँ से रवानगी दे रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा भाई? ये देख लो ईयरफोन के काम, इनको कोई मतलब नहीं है राइडर क्या कर रहा है, कुछ नहीं। अपने ईयरफोन बढ़िया लगा रखे, इन्होंने बढ़िया गाने सुन रहे हैं, और बाइक का हाल कुछ ऐसा हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि पता नहीं कब सही होगी, जब नागौर लास्ट टाइम इसकी सर्विस कराई थी तब एक प्रॉब्लम इसमें खड़ी हो गई थी। फिलहाल ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, कोई कीड़ा घुस गया है क्या घुस इसमें है? भाई इसमें कीड़ा नहीं, इसमें आत्मा है कोई, है ना। चलती बाइक जैसे 60 से ऊपर मैं चलाता हूँ तो इसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे विसल वो सफर उसको बोल सकते, इसमें मतलब चूँ चूँ ऐसे करके कुछ आवाज़ आती है। जब भी इसको स्लो करता हूँ तो वो आवाज़ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, देन उसको वापस हम रेस देते हैं तो और ज़्यादा वो आवाज़ आने लगती है। बट अभी तक मैंने इसको 90 यहाँ पे चला के देखा इस रोड पे, अब तो फिर से वो आवाज़ आई नहीं है। थोड़ा इसको भी रेस्ट मिल गया तो अब शायद नहीं आएगी। फिलहाल लेट नहीं करते, यहाँ से 30 किलोमीटर और बता रहा है, तो जल्दी से जल्दी कवर कर देते हैं। तो भाई कर लिया है सारा का सारा सेटअप रेडी, फिलहाल निकल रहे हम लोग यहाँ से। चलो भाई
जय माता दी। सो फिलहाल हम लोग निम्बी जोधा गांव के पास में है, गांव के नेड़े है बोल रहा था मैं, क्योंकि निम्बी जोधा एक मारवाड़ी गांव है और उसमें मतलब ज़्यादातर जो लोग रहते हैं मारवाड़ से बिलोंग करते हैं ना। गांव के नाम से हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। सामने एक ओवर ब्रिज हम लोग को दिख रहा है, वो आप वहाँ पे अगर देखें तो उससे राइट या लेफ्ट कहीं तो वो गांव होगा, वो जो गांव है सीधा ही बता रहा भाई। अगर किसी को नागौर जाना है तो डायरेक्ट इधर जा सकता है। ओहो महाराज आ गए। सो गाइस आ गया है निम्बी जोधा गांव और यहां से सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर हम लोग को ट्रैवल करना है। बाइक राइड करने में अब फिर से वही मज़ा आ रहा है जब स्टार्टिंग में आ रहा था। तो अभी अभी गूगल बाबा ने अपनी स्वर्ण वाणी से हमें बताया है कि यहाँ जो दो रास्ते आ रहे हैं उससे हमें लेफ्ट साइड में ही चलना है। तो हम लोग ने हल्का सा टर्न ले लिया भाई लेफ्ट साइड में, आगे ब्रेकर आ गया। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं लाडनू गांव के अंदर और यहां से हम लोग को जाना है सीधा। तो गूगल मैप पता नहीं कैसी कैसी रोड से हम लोग को लेके जा रहा है भाई। आगे रोड कुछ ठीक दिख रही है। अभी हम लोग ने जो गांव क्रॉस किया था लाडनू था और इस गांव में ऐसी ऐसी रोड से गूगल लेके आया ना पूछो नहीं। मैंने पूरा कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया बिकॉज मैं मैप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। गोपालपुरा इज 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। फाइनली गाइस वो पहाड़ी हम लोग को दिखनी शुरू हो गई है जहाँ पे बालाजी भगवान विराजमान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको यहीं से देख के। और हम कल्पना कर रहे हैं कि मैं जो है उसके ऊपर तक इस बाइक को राइड करने वाला हूँ। गाइस अब हम लोग जो है पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। आप ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ये वही पहाड़ी है, 400 मीटर के बाद में हमारा मोड़ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं पूरी पूरी जो पहाड़ी है वो यहाँ से विजिबल है। धीरे धीरे हम लोग और ज़्यादा नज़दीक जाते जा रहे हैं, वो आप सामने देख सकते हैं। यही है वो पहाड़ी, यहीं पे है डूंगर बालाजी का मंदिर। ये जो पहाड़ी है इसको बोला जाता है डूंगर और बालाजी का मंदिर जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग जो है बाइक से वहाँ तक जाने वाले हैं। खूब मज़ा आएगा। प्लीज़ पूरा देखना, मज़ा आएगा। अब देखो गाइस पूरा का पूरा टेंपल विजिबल है, पूरा का पूरा माउंटेन यहाँ से विजिबल है। ये जो छोटी सी हिल है इसी के ऊपर हम लोग को जाना है और दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक तो है स्टेयर्स का रास्ता और एक है पूरा का पूरा गाड़ियाँ वगैरह ऊपर ले जाने का रास्ता। तो ये जो टर्न वगैरह है ये गाड़ियों वाला रास्ता है और स्टेयर्स जो जा रही है वो पूरी स्टेट जा रही है ऊपर तक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है मंदिर के जिस रास्ते से गाड़ियाँ ऊपर जाती है उस रास्ते पर खड़े हैं और यही जो रास्ता है पूरा ऊपर तक जाएगा। ऐसे 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 टर्न्स हैं इस रास्ते में, तो पूरा स्टार्ट टू एंड वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को खूब मज़ा आने वाला है। ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जो कि एक ही दिन में पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को क्विट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में स्विच हो जाइए बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो, मेरा पूरा का पूरा ट्रिप, जैसे जैसे मैं आया मुझे क्या क्या दुविधाएं आई और कैसे कैसे मैंने यहाँ पे मज़े लिए, कैसे मैंने राइड किया, कौन कौन से रास्ते आए, कौन कौन से गांव आए, आप लोगों ने सब देखा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं जस्ट इसके अगले व्लॉग में, यहीं से मैं इसी जगह पे खड़ा उस व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दैट।